यहाँ रख बीच में आगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सब लोग ठीक है? नींद पूरा हुआ बढ़िया से गर्मी में? हाँ गर्मी। देखो जो पीपीज होता है, पीपीज कौन कौन जानता है क्या होता है? पीपी होता है ग्लव्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो टू टाइप्स ऑफ पीपीज होता है, एक होता है रिक्वायर्ड पीपी और एक होता है मैंडेटरी पीपी। तो मैंडेटरी पीपी जो होता है वो क्या होता है? जैसे हमारा शूज, जैकेट, हैंड ग्लव्स और हेलमेट, ये है मैंडेटरी पीपी। मतलब ये हमको पहन के ही आना है। उसके बाद दूसरा हो जाता है रिक्वायर्ड पीपी। अब रिक्वायर्ड पीपी में क्या आता है? जैसे हम लोग अगर वेल्डिंग कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए अलग से हेलमेट चाहिए, हैंड ग्लव्स अलग से चाहिए, एप्रन वगैरह चाहिए, और हाइट पे अगर हम लोग चल रहा है तो उसके लिए सेफ्टी बेल्ट चाहिए। कहीं भी अगर हम लोग हाइट पे चल रहा है तो उसके लिए सेफ्टी बेल्ट चाहिए। तो ये होता है रिक्वायर्ड पीपी। मतलब जैसा काम उसके अनुसार हम लोग को पीपीज पहनना है। और गर्मी का जो टाइम है तो ऐसे में पानी भी अगर पी रहे हो तो एक साथ सारा लोग आके पानी नहीं पिएगा, ठीक है, हर एक एक घंटे पर पानी पी लेना है। लेकिन ज़्यादा पानी भी नुकसान करता है, पता है ना? दिन भर पानी ही पीते रहोगे तो पेट में वो हिलेगा। मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है रिगिंग एंड लिफ्टिंग। रिगिंग क्या मतलब है? बांधना। कोई भी मटेरियल को उठाने का पहले बांधना जरूरी है, वो रिगिंग बोला जाता है। और लिफ्टिंग है, जो लिफ्टिंग कैसे कर सकते बोले तो जेसीबी, फराना, विंच मशीन, वो मशीन मशीनरी से मैकेनिकली उठाना लिफ्टिंग होता है। जो रिगिंग में सबसे पहले क्या चीज़ देखना बोले तो उसका जो लगाते ना स्ट्रिंग, वो फिजिकली देखना जरूरी है। जो कटापटा है तो टूट जाएगा, गिर जाएगा कोई भी मशीन, वो देखना जरूरी है। और उसका भी टी पे सर्टिफिकेट रहता, थर्ड पार्टी, वो देखना भी जरूरी है। और जो स्ट्रिंग को 3 महीने का एक कलर कोडिंग रहता, जो अभी चल रहा है येल्लो कलर, वो चीज़ देखना जरूरी है। और कोई भी मटेरियल उठाए तो परफेक्ट रिगर होना, नॉर्मल लोग को नहीं जानता वो कैसा काम कर रहा है, ठीक है। और सबसे पहले रिगर होना, उसके बाद क्या होना, मटेरियल उठाए तो दोनों तरफ रस्सी बांधना जरूरी है, नहीं तो मटेरियल उधर उधर हो सकते हैं, गिर सकते हैं, मशीनरी पे आदमी पे गिर सकते हैं, वो देखना जरूरी है। और जो चलाने वाले गाड़ी का ड्राइवर आता है ना, उसके पास सेफ ड्राइविंग पास है कि नहीं, वो देखना भी जरूरी है। जो हेल्पर चलाए तो नहीं चलाएगा, कोई ड्राइवर है, ऑपरेटर है, तो वो ही चलाना जरूरी है। वो चीज़ देख के काम करो, सेफ्टी से काम करो। थैंक यू। गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग जब सुबह आते हैं, जैसे दिन भर काम करते हैं अच्छा से, पसीना चलता है शरीर से, पसीना चलने से ये कपड़ा में कैसा बदबू देता है, कैसा देता है, मैंने बहुत खराब देता है। ये बदबू से कभी कीड़ा भी घुस सकता है। जैसे हम जाते हैं रूम, खोल देते हैं कपड़ा, टांग देते हैं रूम में, वो छरबिंदा हो गया या गिरगिट हो गया या कीड़ा मकोड़ा कोई भी चीज़ है, वो बदबू पर धोकता है, उसमें घुस जाएगा, कपड़ा में घुस जाएगा, या जूता है जूता में घुस जाएगा। कभी भी अपना डिप्टी आने वक्त कपड़ा यदि हम टांग के पहन रहे हैं शरीर में, तो उसको झाड़ के पहनना चाहिए। कभी भी हम आज देखे हैं कपड़ा पर गिरगिट चढ़ा हुआ था, हो सकता है जब ऊपर में था तो हम देखा तो झाड़ दिया, हो सकता है इसके नीचे हो हम बाजू में डाल लिए, जूता में हो सकता है छोटा, हम लोग जंगल हो सकता है छोटा मोटा सांप भी घुस जाता है जूता में। कभी भी जूता भी पहनो तो झाड़ के पहनो।